Hello everyone, this class is presented to you by Diademy IAS. In this class, we will be finishing with chapter 3 of class 12 NCERT of Modern India by Bipin Chandra. So this chapter, we have started this in the previous classes and I have already taken 3 classes. In the first class, we covered the Portuguese. In the second class, we covered the Dutch. In the third class, we covered the British East India Company. And in this class, we will be covering the French and also the Carnatic Wars, which took place between the French and the English. So all that will be covered in this chapter. So let's begin. So foundation of French centers in India. So French jo the, they were the last Europeans to come to India. In fact, ye UPSC mein ek question bhi pucha gaya hai, direct question tha, which of the following were the last European powers to come to India? So Portuguese aate hain, Dutch aate hain, British aate hain, aur bilkul end mein kaun aata hai? French aate hain. So they were the last Europeans to come to India. So during the reign of Louis XIV, तो ये जो French king है Louis XIV और उनके एक famous minister थे जिनका क्या नाम था Colbert, they laid the foundation of a French East India Company in 1664. तो ये जो आपको year है याद रखना है, तो 1664 में King Louis और उनके famous minister Colbert वो एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं, जिसमें किंग का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था. वो चाहते थे कि फ्रेंच भी इंडिया के साथ जाके ट्रेड करे हो और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाएं. तो कौन से किंग थे? किंग लुई XIV और उनके मिनिस्टर कौन थे? कॉलबर्ट. और कौन से ईयर में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है? इन द ईयर 1664. So in 1667, Francois Caron headed an expedition to India, setting up a factory in Surat. अब 1667 में ब्रिटिश ने सूरत में फैक्ट्री कब बनाई थी? 1613 में. फ्रेंच कब बनाते हैं? इन द ईयर 1667 ये फैक्ट्री बनाते हैं सूरत में. Now Mercara, a Persian who accompanied Caron, founded another French factory at Masulipatnam in 1669. तो 1667 में सूरत में फ्रेंच अपनी फैक्ट्री बनाते हैं और 1669 में ये मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री बनाते हैं after obtaining a patent from the Sultan of Golconda. In 1673, French obtained permission from Shaista Khan, the Mughal Subedar of Bengal, to establish a township at Chandranagar near Calcutta. So, ठीक है, जैसे अब सूरत की तरफ वो चले गए, मसूलीपट्टनम में उन्होंने फैक्ट्री बना दी, और अब वो बंगाल की तरफ चले गए जहाँ पे दे आर ग्रांटेड परमिशन टू एस्टैब्लिश अ टाउनशिप एट चंद्रनगर नियर कैलकटा. कौन इनको ये परमिशन देते हैं? शेस्ता खान, द मुगल सूबेदार ऑफ बंगाल. तो ऐसे जो है बाकी पार्ट्स का, जैसे हमने देखा था कि वो खुद को एक्सपैंड करते हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग एरियाज है वहाँ पे वो अपनी फैक्ट्रीज जो है बनानी शुरू कर देते हैं. द फ्रेंच कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फैक्ट्रीज इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो, पर्टिकुलरली इन द कोस्टल रीजन्स. माहे, कराइकल, बालासोर एंड कसीम बाजार वर अ फ्यू इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ये जो है माहे, कराइकल, ये आपको याद रखने हैं, ये जो थे दे वर द इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ द फ्रेंच. So after taking charge of Pondicherry in 1674, अब ये जो पॉन्डिचेरी है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है फ्रेंच का सेंटर था, एक मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है हम बोल सकते हैं. फ्रेंच का मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड इंडिया में क्या था? पॉन्डिचेरी था, जो कि उन्होंने कब एक्वायर किया था? इन द ईयर 1674. सो दिस वॉज द मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया, ये याद रखना. So this is the map here. You can see here is Karaikal, जो हमने पहले देखा, and so there is Masulipatnam, जो कि हमने पिछले क्लास में देखा था. So these are, here is Mahe. ठीक है, तो ये मैप जो है आप क्लास के बाद अच्छे से देख लेना. एक जो सेटलमेंट्स हैं, जैसे कि अभी तक हमने पोर्चुगीज़ की, डच की, ब्रिटिश की और अब फ्रेंच की, हमने इन सब की सेटलमेंट्स जो है वो देख लिए हैं. तो ये जो भी मैप्स मैंने दिखाए हैं आपको क्लास में, तो क्लास के बाद अच्छे से ये जो मैप्स हैं इनको अच्छे से देख लेना, ताकि ये जो एक माइंड में आपके
जो है ना मैप के ऊपर पूरी सेटल कहाँ कहाँ पे है, तो उससे बेसिकली ज्यादा अच्छे से याद हो जाती है कि ठीक है उनकी ब्रिटिश की यहाँ पे थी सेटलमेंट। तो अगर आप मैप के थ्रू याद रखोगे तो हो सकता है कि ज्यादा अच्छे से याद हो जाए। तो क्लास के बाद अगर आपको जरूरत लगे तो मैप को एक बार दोबारा अच्छे से देख लेना। सो मूविंग फॉरवर्ड, अर्ली सेटबैक्स टू द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हमने सेटलमेंट्स तो कहाँ कहाँ पे थी, इन्होंने सूरत में फैक्ट्री बना ली, मसूलीपट्टनम में बना ली, पॉन्डिचेरी इनका मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। अब सेटबैक्स क्या आते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, कर्नाटिक वॉर्स तो बाद में होते हैं, उससे पहले भी इनको काफ़ी सेटबैक्स लगते हैं। जैसे कि जब हमने ब्रिटिश का पढ़ा था कि उनको ईजी था, जैसे कि जब विलियम हॉकिंस वो आते हैं जहांगीर के कोर्ट में, आ तो जाते हैं लेकिन पोर्चुगीज से ओपोजिशन उनको मिलती है, जिस वजह से उनको ज्यादा कुछ प्रिविलेजेस उस टाइम पे मिल नहीं पाते, आगे जाके वो मिलते हैं। तो सिमिलरली इनको भी कुछ सेटबैक्स मिलते हैं, दैट थिंग इज ऑब्वियस, क्योंकि और भी यूरोपियन पावर्स हैं, वो भी खुद को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही हैं, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू सिक्योर मोर एंड मोर प्रिविलेजेस फ्रॉम द मुगल एम्परर एंड फ्रॉम अदर रूलर्स। तो इसी तरह से फ्रेंच को भी कुछ सेटबैक लगते हैं। सो द फ्रेंच पोजिशन इन इंडिया वॉज बैडली अफेक्टेड विद द आउटब्रेक ऑफ वॉर बिटवीन द डच एंड द फ्रेंच। तो डच और फ्रेंच के बीच में एक वॉर शुरू होता है, जिसमें क्या है, जो डच है वो किसको कैप्चर कर लेते हैं, पौंडीचेरी को। अब जो पौंडीचेरी है वो तो फ्रेंच के लिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स देयर मेन टेरिटरी, इट्स देयर मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड इन इन द इंडियन कंट्री। सो ट्रीटी ऑफ रिस्विक, ये आपको याद रखना है, ट्रीटी ऑफ रिस्विक फिर कंक्लूड होती है और जो पौंडीचेरी है वो वापस रिस्टोर कर दिया जाता है फ्रेंच को। तो ट्रीटी ऑफ रिस्विक किसके बीच में हुई थी, डच के बीच में और फ्रेंच के बीच में, इन द ईयर 1697। तो ये एक पहला सेटबैक है जो फ्रेंच को लगता है। अगेन देर वॉज अ बैड टर्न इन द फॉर्च्यून्स ऑफ द फ्रेंच कंपनी इन इंडिया वेन द वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन ब्रोक आउट इन यूरोप। तो ये वैसे भी इस टाइम पे जब फ्रेंच आते हैं और ये जो कर्नाटिक वॉर्स हैं इनके बैकग्राउंड में मेन जो चीज़ें चलती हैं, दो इंडिया में भी फ्रेंच और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी राइवलरी चल रही है, लेकिन उनकी राइवलरी उसी टाइम पे यूरोप में भी चल रही है जब ये 7 ईयर वॉर शुरू हो जाते हैं, वॉर ऑफ स्पैनिश सक्सेशन, ऑस्ट्रियन सक्सेशन। तो वहां पे भी जो इंग्लिश और ये जो फ्रेंच है वहां पे भी उनकी राइवलरी चल रही है और इंडिया में भी उनकी राइवलरी चल रही है। तो उस वजह से आगे जाके कर्नाटिक वॉर्स भी होते हैं। तो ये इन वॉर्स की वजह से यूरोप में उनकी जो राइवलरी चल रही है उसकी वजह से भी फ्रेंच को इंडिया में थोड़ा सेटबैक होता है। सो कॉन्सिक्वेंट टू दिस दे हैड टू अबैंडन देयर फैक्ट्रीज एट सूरत, मसूलीपट्टनम एंड बंताम इन दी अर्ली 18th century। द फ्रेंच इन इंडिया हैड अनदर सेटबैक वेन फ्रांकोइस मार्टिन डाइड ऑन December 31, 1706। तो इनकी भी डेथ हो जाती है। सो ये कुछ सेटबैक्स हैं जो उनको स्टार्टिंग में लगते हैं, बट मेन जो फिर लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं, वो होते हैं कर्नाटिक वॉर्स से। तो तीन कर्नाटिक वॉर हैं, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकंड एंड थर्ड। तो जब हम फर्स्ट पढ़ेंगे या फिर आगे वाले पढ़ेंगे तो पहले हम बैकग्राउंड देखेंगे कि जब ये वॉर हुआ तो बैकग्राउंड में चीज़ें क्या चल रही थी, यूरोप में क्या चल रहा था उस टाइम पे, और फिर इमीडिएट कॉज देखेंगे कि अल्टीमेटली क्या रीज़न हुआ जिसकी वजह से ये वॉर हो गया। और फिर हर वॉर के बाद एक ट्रीटी होएगी, पहले वॉर के बाद भी एक ट्रीटी होती है, सेकंड के बाद भी, थर्ड के बाद भी। तो वो ट्रीटीज के जो नाम है वो भी हम याद करने की कोशिश करेंगे। सो द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर विच टुक प्लेस फ्रॉम 1746 to 1748। अब किसी बुक्स में इनका जो ईयर है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का, दैट इज मेंशन फ्रॉम 1744 to 1748। सो नॉट टू वरी, कहीं पे वो है कहीं पे ये, तो कोई भी आप याद रख सकते हो। सो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर फ्रॉम 1746 to 1748। बैकग्राउंड क्या है इस वॉर का, कर्नाटिक वॉज द नेम गिवन बाय द यूरोपियंस टू कोरोमंडल कोस्ट एंड इट्स हिंटरलैंड। अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैप है, वहां पे आई शो यू कि वेयर इज कर्नाटिक। सो द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ द एंग्लो फ्रेंच वॉर इन यूरोप विच वॉज कॉज्ड बाई द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन।
तो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। बेसिकली ऑस्ट्रिया के जो भी रूलर थे उनकी डेथ हो जाती है, आगे कौन सक्सीड करेगा, तो जो एक वॉर ऑफ सक्सेशन है वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, जिसपे जो इंग्लिश और फ्रेंच है वहाँ पे वो ओपोजिट साइड्स में है, ठीक है। तो उस वजह से वही उनकी जो एक दूसरे के अगेंस्ट है वो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी एक तरह से चलती रहती है, क्योंकि वहाँ पे भी वो एक दूसरे के अगेंस्ट है, यहाँ पे भी एक दूसरे के अगेंस्ट है। तो जो फर्स्ट कार्नाटिक वॉर है उसके बैकग्राउंड में यूरोप में क्या चल रहा है, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, जिसमें जो फ्रेंच है और जो इंग्लिश है वो एक दूसरे के अगेंस्ट है। सो हियर इज कार्नाटिक, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, इमीडिएट कॉज, तो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, कौन सा वॉर पढ़ रहे हैं हम, फर्स्ट कार्नाटिक वॉर। नाउ इमीडिएट कॉज, द इंग्लिश नेवी अंडर बारनेट सीज्ड सम फ्रेंच शिप्स टू प्रोवोक फ्रांस। तो इंग्लिश नेवी किसके अंडर है इस टाइम पे, बारनेट के अंडर, और जो फ्रेंच है वो किसके अंडर चलेगी, उनके एक बहुत ही स्ट्रांग लीडर थे डुप्लेक्स, तो वो इस टाइम पे फ्रेंच की जो कमांड है वो संभाल रहे हैं। सो फ्रांस रिटेलिएटेड बाई सीजिंग मद्रास इन 1746। तो जो स्टार्टिंग कैसे होती है, पहले इंग्लिश नेवी क्या करती है, वो कुछ फ्रेंच शिप्स को सीज कर लेती है, और रिटेलिएट जो है फ्रेंच वो कैसे करते हैं, बाई सीजिंग मद्रास इन 1746 विद द हेल्प ऑफ फ्लीट फ्रॉम मॉरिशियस। तो यहाँ पे जब जो फ्रांस है वो रिटेलिएट करती है, तो वो किसकी हेल्प लेते हैं, मॉरिशियस से वो आर्मी बुलाते हैं अंडर द फ्रेंच गवर्नर ऑफ मॉरिशियस, जो कि कौन थे, एडमायरल ला बोर्डानियास, ठीक है। तो जो मॉरिशियस आर्मी है उनकी हेल्प लेते हैं फ्रेंच इस टाइम पे, ठीक है। सो दस द फर्स्ट कार्नाटिक वॉर बिगेन। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, तो फर्स्ट कार्नाटिक वॉर बिगेन जब होता है, तो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, और फिर इमीडिएट कॉज क्या होता है कि जो फ्रेंच जो इंग्लिश नेवी है किसके अंडर है, बारनेट के अंडर, वो क्या करती है, कुछ फ्रेंच शिप्स को सीज कर लेती हैं, और उससे जो फ्रेंच है वो प्रोवोक हो जाते हैं, और वो बदले में क्या करते हैं, मद्रास को सीज कर लेते हैं इन 1746, और किसकी हेल्प लेते हैं, मॉरिशियस आर्मी की, ठीक है। तो ऐसे ही जो फर्स्ट कार्नाटिक वॉर है वो बिगिन हो जाता है, बट द फर्स्ट कार्नाटिक वॉर इट एंडेड इन 1748 विद द ट्रीटी ऑफ एक्सिला चैपेल वॉज साइंड, ब्रिंगिंग द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन टू अ कंक्लूजन। तो जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन है वो कंक्लूड हो जाता है, कौन सी ट्रीटी साइन होती है, एक्सिला चैपेल। तो इससे जो है फर्स्ट कार्नाटिक वॉर भी एंड हो जाता है। अंडर द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी, मद्रास जो है वो वापस दे दिया जाता है, एंड द फ्रेंच इन टर्न गॉट देयर टेरिटरीज इन नॉर्थ अमेरिका। तो जो ट्रीटी ऑफ एक्सिला चैपेल है वो कौन से वॉर से रिलेटेड है, फर्स्ट कार्नाटिक वॉर के साथ, और इसके अंडर एक तो ये ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन भी कंक्लूड हो गया था, और जो मद्रास है वो इंग्लिश को वापस कर दिया जाता है, और फ्रेंच को क्या मिलता है, उनकी नॉर्थ अमेरिका में जो टेरिटरीज है वो उनको वापस मिल जाती है। सो सिग्निफिकेंस, अब ये जो फर्स्ट कार्नाटिक वॉर था उसका काफी सिग्निफिकेंस था। मेन सिग्निफिकेंस ये था कि एक बैटल होती है, बैटल ऑफ सेंट थॉम, कहाँ पे, मद्रास में, ठीक है। ये बैटल होती है, अब इस बैटल में होता ये है कि जो फ्रेंच आर्मी है ना वो काफी स्मॉल थी, जो स्मॉल फ्रेंच आर्मी है वो किसको हरा देती है, स्ट्रॉन्ग इंडियन आर्मी को। तो इससे ये पता चलता है कि इवन स्मॉल डिसिप्लिन्ड आर्मी कुड इजीली डिफीट अ मच लार्जर इंडियन आर्मी। तो इससे आगे बेसिकली सिग्निफिकेंट क्यों है ये, क्योंकि आगे जाके फिर ये जो बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यही स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व करते हैं, उनको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि जो आर्मी है उसका साइज चाहे बड़ा हो छोटा हो वो मैटर नहीं करता, अगर छोटी आर्मी है लेकिन वो डिसिप्लिन्ड है फिर भी वो इजीली टेक ओवर कर सकती है जो लार्ज इंडियन आर्मीज हैं उनको। तो ये एक सिग्निफिकेंस था फर्स्ट कार्नाटिक वॉर का। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सेकेंड कार्नाटिक वॉर विच टुक प्लेस फ्रॉम 1749 टू 54। तो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, अब ये जो पूरा इसका बैकग्राउंड है वो इंडिया की ही राइवलरी है,
फर्स्ट कार्नाटिक वॉर के बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, उनकी यूरोप की जो राइवलरी थी, जो कि कहाँ से हुई थी, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन में, इनमें जो इनकी राइवलर जो बैकग्राउंड है वो इंडिया में ही इनकी राइवलरी जो है वो शुरू हो जाती है। किस वजह से शुरू हो जाती है, कुछ लोकल डायनेस्टीज के जो आगे सक्सीड करना होता है, आगे जो सक्सेशन होना होता है उसमें लोकल डायनेस्टीज के जो रूलर्स हैं, जैसे कि हैदराबाद के जो निजामुल मुल्क हैं, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है, कर्नाटक में आगे किसने रूल करना है, तो इन डिस्प्यूट्स को लेके, इन डिस्प्यूट्स में इंटरफेयर करते हैं, फ्रेंच भी इंटरफेयर करते हैं, ब्रिटिश भी इंटरफेयर करते हैं, तो उस वजह से जो है सेकेंड कर्नाटक वॉर का जो बैकग्राउंड है वो बन जाता है। डुप्लेक्स द फ्रेंच गवर्नर हु हैड सक्सेसफुली लेड द फ्रेंच फोर्सेज इन द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर सॉट टू इंक्रीज हिज पावर एंड फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन सदर्न इंडिया बाय इंटरफेयरिंग इन लोकल डायनेस्टिक डिस्प्यूट्स टू डिफीट द इंग्लिश। तो लोकल डायनेस्टिक डिस्प्यूट्स में ये खुद को इन्वॉल्व कर देते हैं, ब्रिटिश भी खुद को इन्वॉल्व कर देते हैं, जिस वजह से जो है इनकी राइवलरी यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ जाती है। सो दिस वॉज द बैकग्राउंड ऑफ द सेकेंड कर्नाटिक वॉर। अब इमीडिएट कॉज क्या है, इमीडिएट कॉज क्या है, जो डायनेस्टीज हमने अभी देखी वो कौन सी दो हैं, एक तो हैदराबाद, हैदराबाद के जो फाउंडर थे, इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ हैदराबाद के फाउंडर कौन थे, निजामुल मुल्क, हमने ये भी फर्स्ट चैप्टर में देखा था, ठीक है, तो इनकी डेथ हो जाती है, और उसी टाइम पे जो कर्नाटिक है उसके जो नवाब है, नवाब ऑफ कर्नाटिक, द सन इन लॉ ऑफ दोस्त अली, तो नवाब ऑफ कर्नाटिक कौन थे, दोस्त अली। अब उनके जो सन इन लॉ है चंदा साहेब, उनको भी रिलीज कर देते हैं, कौन, मराठास, ठीक है, तो हैदराबाद में भी कुछ चल रहा है और जो कर्नाटिक है वहां पे भी कुछ चल रहा है। तो होता ये है कि हैदराबाद में जब निजामुल मुल्क की डेथ हो जाती है तो दो कंटेंडर्स आगे आते हैं, एक तो निजाम के जो सन है नसीर जंग, ठीक है, निजामुल मुल्क के सन है नसीर जंग, और उनके ग्रैंड सन है मुजफ्फर जंग, ठीक है, तो ये दोनों है जो वो जो पोजीशन है उसको वो कहते हैं कि दिस इज दिस इज माय पोजीशन, नाउ आई विल बिकम द नेक्स्ट रूलर ऑफ हैदराबाद। तो निजामुल मुल्क की डेथ हो जाती है जो कि हैदराबाद के रूलर थे, तो दो कंटेंडर्स आगे आते हैं, नसीर जंग और मुजफ्फर जंग। तो एक की साइड कौन हो जाएंगे, फ्रेंच, एक की साइड कौन हो जाएंगे, ब्रिटिश। तो इस तरह से उनकी जो राइवलरीज हैं वो शुरू इसमें सेकेंड कर्नाटिक वॉर में कॉज बन जाती है। तो दिस इज अबाउट हैदराबाद। अब कर्नाटक में देखते हैं, एक साइड तो चंदा साहेब है, ठीक है, जिनको हमने देखा कि उसी टाइम पे मराठास रिलीज करते हैं, तो ये एक कंटेंडर होते हैं कर्नाटक में रूलर की पोजीशन के लिए, और दूसरी साइड कौन होते हैं, अनवर उद्दीन खान, ठीक है, तो उसमें एक साइड मुजफ्फर जंग निजाम जंग है, इधर कौन है, चंदा साहेब और अनवर उद्दीन खान। अब ये जो फ्रेंच है वो हैदराबाद के लिए किसको सपोर्ट करते हैं, मुजफ्फर जंग को, और कर्नाटक के लिए किसको सपोर्ट करते हैं, चंदा साहेब को। सिमिलरली जो इंग्लिश है वो किसको साइड करते हैं, नसीर जंग को और अनवर उद्दीन को, ठीक है, तो आप समझ रहे हो ये एक रीजन है, इमीडिएट कॉज है, लोकल डायनेस्टिक जो डिस्प्यूट्स हैं तो उसमें ये जो है इंग्लिश और फ्रेंच इंटरफेयर करते हैं, जो भी राइवल्स हैं जो कंटेंड कर रहे हैं उस पोजीशन को, उसमें एक जो है उनको सपोर्ट करते हैं फ्रेंच और दूसरे को सपोर्ट करते हैं इंग्लिश। तो इस तरीके से जो सेकेंड कर्नाटिक वॉर है वो स्टार्ट हो जाती है। तो रिजल्ट इसका क्या निकलता है, पहला तो जैसे फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में कौन है फ्रेंच के, जो फ्रेंच को लीड कर रहे हैं कौन है, डुप्लेक्स, बट जो सेकेंड कर्नाटिक वॉर है इसमें भी डुप्लेक्स ही होते हैं, बट थोड़े टाइम बाद इनको हटा दिया जाता है, क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज है फ्रेंच अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग, डुप्लेक्स की जो पॉलिसी है उसकी वजह से काफी फाइनेंशियल लॉसेज होते हैं उनको, जिस वजह से डुप्लेक्स को वापस बुला लिया जाता है और किनको भेजा जाता है, गोडेयू, ठीक है, तो गोडेयू ही सक्सीड्स डुप्लेक्स
एज द फ्रेंच गवर्नर जनरल इन इंडिया। अब जो ये गोडेयू है उनकी पॉलिसी क्या है, पॉलिसी ऑफ नेगोसिएशन। तो ये जो क्या करते हैं, ये नेगोसिएशन करते हैं इंग्लिश के साथ, और कौन सी ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, कब होती है, 1755 में। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसका इमीडिएट कॉज क्या था, और फिर उसके बाद ट्रीटी कौन सी हुई थी, ठीक है, याद है ना सारा। अब सेकेंड कर्नाटिक वॉर, उसका बैकग्राउंड क्या था, इमीडिएट कॉज क्या था, और रिजल्ट उसका क्या निकला, और ट्रीटी कौन सी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से एंड हो जाता है सेकेंड कर्नाटिक वॉर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू थर्ड कर्नाटिक वॉर विच टुक प्लेस फ्रॉम 1758 टू 63। तो इसका बैकग्राउंड क्या है, इन यूरोप द 7 ईयर वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। 7 ईयर वॉर बेसिकली क्या था, ग्लोबल सुप्रीमेसी के लिए इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में ये जो एक वॉर है वो चलता है, उसकी डिटेल्स में हम अभी नहीं जाएंगे। तो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, 7 ईयर वॉर, एक बार रिविजन कर लेते हैं। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के टाइम बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। सेकेंड कर्नाटिक वॉर के बैकग्राउंड में क्या है, लोकल डायनेस्टिक डिस्प्यूट्स में जो इंटरफेरेंस होती है फ्रेंच और ब्रिटिश की, वो है बैकग्राउंड। और थर्ड कर्नाटिक वॉर के बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, 7 ईयर वॉर, ठीक है। तो इस वॉर में जो ब्रिटिश और फ्रांस है वो एज यूजुअल दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स। तो ये है बैकग्राउंड। नाउ कोर्स ऑफ वॉर इन इंडिया। सो होता क्या है, इमीडिएट कॉज क्या बनता है, 1757 में जो ये जो क्लाइव है, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव है, ये क्या करते हैं, चंद्रनगर को सीज कर लेते हैं। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि फ्रेंच एस्टैब्लिशमेंट थी यहाँ पे चंद्रनगर में, तो क्लाइव चंद्रनगर को सीज कर लेते हैं, और बदले में फ्रेंच क्या करते हैं, वो फोर्ट सेंट डेविड को क्या है, वो सीज कर लेते हैं, फोर्ट सेंट डेविड को, ठीक है। तो जो इंग्लिश है वो चंद्रनगर को सीज कर लेते हैं, और फ्रेंच इंग्लिश किसके अंडर है, क्लाइव के अंडर, और अब फ्रेंच किसके अंडर है, फ्रेंच आर्मी इज अंडर काउंट डे लैली, ठीक है। तो इनके अंडर फ्रेंच आर्मी है, और वो किसको सीज कर लेते हैं, फोर्ट सेंट डेविड को। तो इस तरीके से वॉर होता है, थर्ड कर्नाटिक वॉर, और फिर होता है बैटल ऑफ वैंडीवॉश, जो कि इसी थर्ड कर्नाटिक वॉर का पार्ट है। कब होता है, 22 जनवरी 1760। तो द डिसिसिव बैटल ऑफ द थर्ड कर्नाटिक वॉर वॉज वन बाई द इंग्लिश। इंग्लिश ये जीत जाती हैं ऑन January 22, 1760 एट वॉन्डीवॉश, ठीक है। तो वॉन्डीवॉश में जो बैटल होती है, वॉन्डीवॉश कहाँ पे है, तमिलनाडु में। वॉन्डीवॉश में जो बैटल होती है उसमें जो इंग्लिश है वो जीत जाते हैं, और उस बैटल की वजह से जो है थर्ड कर्नाटिक वॉर भी इंग्लिश के हाथों में आ जाता है। सो जनरल आयरीकूट ऑफ द इंग्लिश टोटली राउटेड द फ्रेंच आर्मी अंडर काउंट थॉमस आर्थर डी लैली। तो ये नाम याद रखना, एंड टुक बसी एज द प्रिजनर, ठीक है। तो वॉन्डीवॉश कहाँ पे है, तमिलनाडु में, वहां पे जो बैटल होती है उसपे इंग्लिश आर्मी किसके अंडर है, जनरल आयरकूट के अंडर, वो इजिली डिफीट कर देती है फ्रेंच को, जो कि किसके अंडर थे, आर्थर डी लैली के अंडर। नाउ द फ्रेंच पावर इन इंडिया वॉज रिड्यूस्ड टू इट्स लोएस्ट। तो इस पे फ्रेंच हार जाते हैं, ठीक है, और उनके जो भी टेरिटरीज होती हैं वो बेसिकली किसके पास आ जाती हैं, अब ब्रिटिश के पास। सो इन 1763 आफ्टर द एंड ऑफ 7 ईयर वॉर, तो अब 1760 में होती है बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश, और उसके बाद 1763 में जो ये 7 ईयर वॉर है जो कि बैकग्राउंड में चल रहा था वो भी खत्म हो जाता है, और ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है साइन होती है। पहले कर्नाटिक वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ एक्जिला चैपल, दूसरे के बाद ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, अब होती है ट्रीटी ऑफ पेरिस। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग फ्रेंच पोजेशंस इन इंडिया वर मेड प्रोटेक्टोरेट स्टेट्स। प्रोटेक्टोरेट स्टेट्स का मतलब ये है कि बेसिकली वो किसके किसके ऑक्यूपेशन के अंडर आ जाएंगे, ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के अंडर। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ पेरिस ऑल द फ्रेंच पोजेशंस इन इंडिया वर मेड प्रोटेक्टोरेट स्टेट्स। नो मोर फोर्टिफिकेशन वॉज अलाउड एंड नो स्टैंडिंग आर्मी वॉज अलाउड। तो बेसिकली फ्रेंच का जो है सब कुछ ही खत्म हो जाता है आफ्टर द थर्ड कर्नाटिक वॉर। तो उनके पास ये जो मेन है ये टेरिटरीज रह जाती हैं, माहे, येनम, पुडुचेरी एंड कराईकल। ये जो चार टेरिटरीज हैं ये फ्रेंच के बाद पास रह जाती हैं आफ्टर द ट्रीटी ऑफ पेरिस।
So the English became the supreme European power in the Indian subcontinent. अब जो भी rivals हैं English के सारे खत्म हो चुके हैं. पोर्चुगीज को वो हरा देती है बैटल ऑफ स्वाली होल के साथ. जो डच है उनको बैटल ऑफ बेदारा, राइट, हाँ, या बैटल ऑफ बेदारा मेरे भी दिमाग से निकल गया था. सो बैटल ऑफ बेदारा के थ्रू वो डच को हरा देते हैं, फ्रेंच को वो हरा देते हैं बाय दिस बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश. ठीक है, तो इस तरीके से अब ये जो एक एक यूरोपियन पावर रह जाती है और जो कि है इंग्लिश. सो दे बिकम द सुप्रीम यूरोपियन पावर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. नाउ दे हैव नो यूरोपियन राइवल इन इंडिया. दस दे वर रेडी टू टेक ओवर द रूल ऑफ द एंटायर कंट्री. तो अब सिर्फ ब्रिटिश रह जाते हैं और इसके बाद वो इंडिया के ऊपर रूल करते हैं. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द ब्रिटिश. सो अब कुछ कॉजेज हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस वजह से इंग्लिश है वो सक्सीड करते हैं. सो वॉट वर दोज कॉजेज दैट वी विल स्टडी नाउ. द इंग्लिश कंपनी वॉज अ प्राइवेट एंटरप्राइज. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है यूपीएससी में. तो बात ये है कि जो इंग्लिश है वो एक प्राइवेट एंटरप्राइज थी. दैट मीन्स उनके ऊपर कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल ज़्यादा नहीं था. लेकिन जो फ्रेंच थी उनके ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा था. अब क्योंकि उनके ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल था तो वो ज़्यादा इजीली डिसीजंस नहीं ले पाते थे एज कंपेयर्ड टू इंग्लिश. वो इंस्टेंटली डिसीजंस ले सकते थे, ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल था नहीं तो उनको गवर्नमेंट अप्रूवल का वेट नहीं करना पड़ता. तो वो सरकारी टाइप जो चीज़ है वो यहाँ पे नहीं थी. लेकिन जो फ्रेंच कंपनी थी टोटली ऑपोजिट, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट थे, उनके अप्रूवल का वेट करना पड़ता था. इसीलिए उनके जो डिसीजंस हैं वो इंस्टेंटली उनको अप्लाई नहीं कर पाते थे. ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है. नेक्स्ट इज इट वाज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट एंड वाज हेम्ड इन बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डिलेज इन डिसीजन मेकिंग, राइट. तो क्योंकि दे वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑब्वियसली देयर वॉज डिले इन डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट इज द इंग्लिश नेवी वॉज सुपीरियर टू द फ्रेंच नेवी. द इंग्लिश हेल्ड थ्री इंपॉर्टेंट प्लेसेज नेमली कैलकटा, बॉम्बे एंड मद्रास. तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा फ्रेंच के जो मेन स्ट्रांग होल्ड क्या था, पॉन्डिचेरी. तो उनका एक ही मेन स्ट्रांग होल्ड था लेकिन इंग्लिश के तीन थे. दे हैड कैलकटा, दे हैड बॉम्बे एंड दे हैड मद्रास. नेक्स्ट इज द फ्रेंच सबॉर्डिनेटेड देयर कमर्शियल इंटरेस्ट टू टेरिटोरियल एम्बिशन विच मेड द फ्रेंच कंपनी शॉर्ट ऑफ फंड्स. तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है कि जो फ्रेंच थे वो टेरिटोरियल एम्बिशंस, एक यू नो टेरिटरीज ऑक्यूपाई करने की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान था और कॉमर्शियल इंटरेस्ट को उन्होंने सबॉर्डिनेट कर दिया था. ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि कॉमर्शियल इंटरेस्ट के ऊपर वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे जिसकी वजह से उनको जो फंड्स की शॉर्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा हुई. और अब अगर आपके पास फंड्स की शॉर्टेज होगी तो आपके पास रिसोर्सेज कम होंगे जिसकी वजह से आप अच्छे से लड़ाई नहीं कर पाओगे. तो ये फंड्स की शॉर्टेज की वजह से भी जो फ्रेंच है वो एक मतलब उनके जो हारने का एक ये भी रीज़न था. उसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि जो ब्रिटिश कमांडर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, रॉबर्ट क्लाइव थे और भी काफ़ी थे, राइट. लेकिन जो अगर फ्रेंच की देखा जाए तो उनके पास सिर्फ एक ही बहुत स्ट्रॉन्ग कमांडर थे जो कि थे डुप्लेक्स. ठीक है, लेकिन फ्रेंच के पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लीडर, सॉरी, ब्रिटिश के पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लीडर्स थे, फ्रेंच के पास सिर्फ एक ही स्ट्रांग लीडर थे डुप्लेक्स. तो वो भी एक रीज़न है जिसकी वजह से जो इंग्लिश थे वो जीत गए और जो फ्रेंच थे वो हार गए. ठीक है, सो दीज वर द कॉजेज ऑफ द सक्सेस ऑफ द इंग्लिश. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोर्चुगीज, द डच, द इंग्लिश एंड द फ्रेंच. तो सारी चीज़ें हमने देख ली, कैसे इन्होंने इस्टेब्लिश करना शुरू किया, कैसे इन्होंने यू नो कुछ ट्रेडिंग इस्टेब्लिशमेंट्स, अपनी फैक्ट्रीज बनाई यहाँ पे, फिर उनका डिक्लाइन हुआ, बैटल्स हुए, ट्रीटीज़ बहुत ज़्यादा हुई. तो ये इट वॉज यू नो यही सब चीज़ें थी इस चैप्टर में. अब कुछ सैम्पल MCQ देख लेते हैं. सो एजर्शन, द फ्रेंच वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश इन द थर्ड कर्नाटिक वॉर एट द बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश. ये हमने अभी पढ़ा, दिस इज ट्रू. रीजन, द इंडियन रूलर्स डिड नॉट सपोर्ट द फ्रेंच. तो ये रीज़न नहीं था, ये एजर्शन बिल्कुल ठीक है कि जो फ्रेंच है उनको ब्रिटिश ने हराया था थर्ड कर्नाटिक वॉर में, लेकिन रीज़न ये नहीं था. रीज़न और थे जो कि हमने अभी देख लिए.
So the answer is the C. A is true, but R is false. So this was all about chapter 3. In the next class, we will be starting with chapter 4. So I hope it is clear to you all. Thank you very much.